टू देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स। ओके, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है। आप लोग एग्जाम में क्या करते हो, यहां तक पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए कंपाउंड पढ़ लिया, मतलब आप एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहां पे आर नॉट लिखा हुआ है, कौन से कंपाउंड नहीं है ना, ये आपको बताना है। बासन नहीं, तो चलिए देखिए जरा क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका मॉलिक्यूल बनाएं, अभी अभी तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल देखा था ना आपने F2, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या होगा Cl2, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल Br2, आयोडीन का मॉलिक्यूल I2। ओके, तो एक बात बताइए, जब क्लोरीन गैस होगी कहीं पे, मान लीजिए किसी सिलेंडर में क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस में क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो बताइए ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया ये, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, हमको तो कंपाउंड चाहिए। yes, sir. उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, KCl। ठीक है, याद है कैसे, देखिए K पे क्या होता है 1+ और Cl पे क्या होता है 1-। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला वीडियो जब आप लोग देख लेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ये वाला 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर, तो K1Cl1, 1-1 लिखा नहीं जाता है तो KCl। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया, KCl। ये एक तरीके का आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये सब आप लोग वहां पे पढ़ोगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से चेक करिए, एक मिनट, हमको यहाँ टिक लगाना चाहिए था। yes, है ना sir. क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड, तो जो कंपाउंड नहीं है, यानी कि जो क्या है, नॉट कंपाउंड मीन्स वॉट, जो एलिमेंट है। तो नॉट कंपाउंड का मीनिंग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो क्या है, एलिमेंट्स हैं, आपको वो बताने हैं। तो भाई ये होगा क्लोरीन गैस क्या है, एलिमेंट है, तो ये हमको बताना है, जो कंपाउंड होंगे उसको हमको छोड़ देना। तो अभी बताइए पोटेशियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट एक तरीके का, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना सॉल्ट। ठीक है, आप देखो ना ग्रुप नंबर 1 में पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन है, ली ना कर रब से फरियाद। तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सोडियम है, सोडियम का सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ NaCl, तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा, KCl। सेम ग्रुप के मेंबर्स सेम टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो अब ये बताओ किसका एग्जांपल है, कंपाउंड का। ठीक है, और आपको क्या चाहिए था, नॉट कंपाउंड, तो जो कंपाउंड आपको मिल जाए उसको आप छोड़ दीजिएगा, कंपाउंड है ये पोटेशियम क्लोराइड, छोड़ देंगे। थर्ड में आ जाओ, आयरन, आयरन क्या है, मेटल है, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। तो अगर आयरन का हम एक पीस लें और उसकी जांच करें तो आपको आयरन के बहुत सारे एटम्स मिलेंगे। ठीक है, आयरन के बहुत सारे एटम्स, Fe2 नहीं होता है, Fe2 नहीं होता है, ये आयरन का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ोगे। ओके, तो ये हो गया आपका, ये एटम्स बहुत सारे हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग करके बैठे होंगे, तो ये क्या हो गया आपका, नॉट कंपाउंड, क्योंकि ये एलिमेंट है, तो इस पर हम टिक लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद आयरन सल्फाइड। ओके, तो आयरन सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है FeS होता है, क्या होता है ये FeS, कैसे बनता है, Fe पे होता है 2+ और सल्फर पे होता है 2-, इसको हम बोलते हैं फेरस आयन Fe2+ को, और S2- को सल्फाइड आयन, तो 2 इधर जाएगा और इसका 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा Fe2S2, अब 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया FeS, यानी कि आयरन सल्फाइड, जिसको हम फेरस सल्फाइड भी बोलते हैं। तो बहरहाल आप देखिए जरा, यहाँ एक तरीके का मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आयरन का एक एटम है और सल्फर का एक एटम, यानी कि आयरन का एक एटम और सल्फर का एक एटम मिलके FeS, यानी कि आयरन सल्फाइड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर हमें कहीं पे आयरन सल्फाइड दिया हो तो उसमें आयरन सल्फाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं, इसलिए क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो आपको जो कंपाउंड है वो तो लेना नहीं है, तो ये तो हो गया आपका कंपाउंड, तो इसको हमें नहीं लेना है। उसके बाद एल्युमिनियम का बच्चों फॉर्मूला होता है क्या, Al, मतलब एल्युमिनियम एक मेटल है ना, तो एल्युमिनियम का जो फॉर्मूला होगा वो Al, यानी कि एल्युमिनियम मेटल का अगर हम पीस लें तो उसमें एल्युमिनियम के बहुत सारे एटम्स मिलेंगे जो एक दूसरे से मेटालिक बॉन्डिंग करके बैठे होंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया बताइए आपका, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया ना, और एलिमेंट हमको लेना है क्योंकि एलिमेंट नॉट कंपाउंड होता है, तो ये हमको लेना है। आयोडीन, आयोडीन भी एलिमेंट है, अभी अभी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा I2, मतलब अगर आपके पास कहीं पे आयोडीन है, मान लीजिए सॉलिड आयोडीन है, तो उसमें आपको आयोडीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, तो ये भी आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कार्बन, अब कार्बन का तो बहुत बढ़िया आपको पता है, ये तो एलिमेंट है भाई,
एलिमेंट है कार्बन का, कोई भी एलोट्रोप उठा लो, ग्रेफाइट उठा लो, उसमें भी आपको कार्बन कार्बन के एटम मिलेंगे, बकमिंस्टन फ्लोरीन उठा लो उसमें भी आपको कार्बन कार्बन के एटम मिलेंगे, डायमंड उठा लो उसमें भी आपको कार्बन कार्बन के एटम मिलेंगे। तो ऑब्वियसली कार्बन क्या है, आपका एलिमेंट है। तो अगर कार्बन, बच्चों इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी कार्बन के एटम का, ठीक है। तो इस पर हम टिक लगा देंगे क्योंकि ये एलिमेंट है, मतलब नॉट अ कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद एच पार्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सुन लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। तो कोई बात नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला अगर CO है तो ध्यान से चेक करिए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर है मेरे पास मान लो, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर है। और अगर आप ध्यान से जाके यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों, तो ये पार्टिकल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, चेक करो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बने हैं। तो ध्यान से चेक करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड किसका एग्जांपल हो गया, कंपाउंड का, तो ये तो कंपाउंड हो गया, तो कंपाउंड तो हमको लेना नहीं है। फिर सल्फर पाउडर, देखिए बच्चों मैं आपको बताऊं, सल्फर के एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है S8 होता है, S8, ये हमने शायद क्लास में आपको कई बार बताया भी है। S8 क्या होता है, सल्फर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। मतलब कोई पूछे सल्फर का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो बोलोगे सल्फर के 8 एटम्स, ध्यान चेक करो, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होता था I2, जैसे आयोडीन का मॉलिक्यूल होता है, सॉरी ऑक्सीजन का O2, आयोडीन का होता है I2, वैसे ही सल्फर का S8 होता है। भाई ऑक्सीजन के जैसे दो एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते थे, वैसे ही सल्फर के 8 एटम्स केमिकली कंबाइंड होके सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते, कोई बात नहीं। अब सल्फर जब पाउडर है, थोड़ा सा सल्फर पाउडर हमें मिला, ये देखिए ये सल्फर का क्या है, पाउडर है, और इसमें ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, किसके, सल्फर के। तो क्या हुआ, सल्फर के मॉलिक्यूल्स के अलावा तो कुछ है नहीं, और जो सल्फर का मॉलिक्यूल है उसमें सल्फर के एटम के अलावा कुछ तो है नहीं, तो ये तो एलिमेंट हो गया, मतलब नॉट अ कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया, तो इसको हमको ले लेना है। तो बताइए नॉट कंपाउंड्स में हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए क्लोरीन गैस नॉट अ कंपाउंड, आयरन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयोडीन, फिर कार्बन, सल्फर पाउडर आर नॉट कंपाउंड्स, दीज आर वॉट, एलिमेंट्स, ओके। तो ये कंपाउंड नहीं है, तो इस तरीके से आप फाइनल आंसर करोगे, ओके, कर लीजिए।